हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए NHTSE नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्लास सेकेंड से सिलेबस एंड सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके सैंपल पेपर एंड सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। साइंस एग्जामिनेशन में साइंस के साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस है क्लास सेकेंड के लिए। नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, सेप्स। एंड जनरल साइंस के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन बॉडी, एयर, वाटर एंड वेदर, रॉक एंड मिनरल्स, आवर यूनिवर्स। चलिए अब हम सिलेबस देखने के बाद इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन सेड 20 केक्स इक्वली विथ 4 फ्रेंड्स, तो हाउ मेनी केक्स डज ईच पर्सन गेट। यानी जॉन के पास 20 केक हैं, उसने इक्वली जो है 4 फ्रेंड्स में इसको बांट दिया है, तो प्रत्येक के पास कितने होंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 सा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी पर पर्सन 5 केक्स आएंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 का ए, 5 केक्स। 4 पर्सन है, देखिए 1 2 3 एंड 4 पर्सन में 5 केक्स आपके डिवाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ 3 सच बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 3 सच बॉक्सेस, इसमें कितना इसका वेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 × 3 यानी 9 kg, यहाँ पर बीच में आ रहा है 9 kg। व्हाट इज द मास ऑफ 3 सच बॉक्सेस, एक का जो है 3 kg वेट है, तो 3 × 3 हो जाएगा यानी कि 9 kg। 3 × 3 9 kg, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिगर रिप्रेजेंट 1/3 शेडेड। 1/3 शेडेड में ये कौन से फिगर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द रिप्रेजेंट शेडेड पार्ट 1/3। यहाँ पर देख लीजिए 1/3 जो है 1 शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट 3 है, तो 1/3 को ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ डायग्राम बिलो केयरफुली। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज डैश लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ की। यानी पेंसिल की जो है यहाँ पर कितना हो रहा है 9 cm, और की कितना हो रहा है 7 से 10, यानी 1 2 3। अब पूछ रहा है कि कितना पेंसिल जो है की से कितना लॉन्गर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 3, इसको माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 6, तो 6 cm जो है यहाँ पर ये लॉन्गर है। स्टडी द डायग्राम बिलो केयरफुली, ये 9 cm हो रहा है, 1 से 9 और 1 2 3, 1 cm 2 and 3, 1 2 3, 3 cm यहाँ ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6 cm। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 cm होना चाहिए। सो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर 6 cm होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फिगर गिवन, व्हाट इज द मास ऑफ पैकेट ऑफ फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई का यहाँ पर मास कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंच फ्राई का कितना होना चाहिए। यहाँ पर 20
और एक यहाँ पर फ्रेंच फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर थ्री हो रहे हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ पैकेट ऑफ फ्रेंच फ्राई? तो 20 + 1, फिर यहाँ पर एक अगर 20 का हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार इसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस ग्रो ऑन क्रीपर्स? विच ऑफ दिस ग्रो ऑन क्रीपर्स? कॉर्न, पी, ग्वाभा एंड पाइन एप्पल। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वाटरमेलन ग्रो इन क्रीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑप्शन कैन करेक्टली फिल द एम्प्टी बॉक्स ऑन द फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है हम फिल करेंगे? सैलेड कौन कौन सा होता है? राइस, वेट एंड इसमें से कौन सा आ जाएगा? बीन्स, पी, ग्राउंडनट या मेज? सो करेक्ट आंसर हो जाता है मेज। पी, मेज एंड वेट आर द सैलेड्स। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज द ऑर्गन गिवन बिलो बिलोंग टू? ये ऑर्गन किससे बिलोंग हो रहा है? ए, सर्कुलेटरी सिस्टम, बी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी, नर्वस सिस्टम और डी, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ये किससे हो रहा है? तो गिवन ऑर्गन आर लंग्स, ये लंग्स का फोटो दिया गया है एंड लंग्स आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो लंग्स आर पार्ट ऑफ किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीड पार्ट ऑफ प्लांट? इसमें से प्लांट सीड का कौन सा पार्ट है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोकोनट। कोकोनट इज द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द गिवन फिगर शो? इसमें कौन सा फिगर शो हो रहा है? तो ये हमारा डॉगी का है, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स नीड वाटर। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स ग्रो, यहाँ पर देखिए पहले छोटा सा पपी है, फिर बर करिए बड़ा सा हो गया, तो इस फिगर से क्या फाइंड हो रहा है? लिविंग थिंग्स ग्रो। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स ग्रो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।